on them are given in question. So I check LHL and RHL at x is equal to 4, for क्या बोलते हैं यार, यहाँ देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं। देखिए चार पर चेक करते हैं तो यार चार पर देखिए नॉट, मतलब ये क्या कर रहे हैं, चार पर चेक कर रहे हैं, फोर पर मतलब चेक कर रहे हैं तो यानी क्या आ रहा है, ए ए ए ए ए मारे थ्री आ रहा है, एल एच एल क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है, आर एच एल क्या आ रहा है, फोर, आर एच एल फोर प्लस, तो यहाँ से भी थ्री आ रहा है, तो थ्री आ रहा है तो दोनों क्या कर रहा है, दोनों सेम है, पर यहाँ लिखा हुआ है कि क्या मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा है, दिस टर्म एग्जिस्ट, दिस टर्म डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यार दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, गलत हो गया। कह रहा कि मतलब कह रहा है एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू फोर। फिर यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है दिस टर्म एग्जिस्ट एंड बट इतना डज नॉट, ये भी यार दोनों पॉजिटिव है, दोनों तो एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे हो सकता है, अभी गलत है ऑप्शन। कह रहा है बोथ बोथ लिमिट इतना एंड इतना एग्जिस्ट बट डो नॉट आर इक्वल, यार दोनों इक्वल है, देखो तो यहाँ पर एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल है, दोनों के लिए ये भी ऑप्शन गलत। अब देखिए तीन ऑप्शन गलत हो गया, तो ए पर चेक करते हैं। देखिए एल एच एल और आर एच एल हमारा आ रहा है क्या, थ्री थ्री, और ए पूछ रहा है एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू फोर, तो क्या एफ ऑफ फोर लिखते हैं यहाँ पर, एफ ऑफ फोर ब्रैकेट ऑफ फोर लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट ऑफ फोर बाई फोर। देखिए यहाँ से भी क्या आ रहा है, वन फोर माइनस वन थ्री, ये भी आ रहा है, तो यानी हम देखिए तो एल एच एल बराबर आर एच एल इक्वल एफ ऑफ फोर। देखिए तो क्या एल एच एल आर एच एल एफ एफ ऑफ फोर क्या है, इक्वल है, तो इक्वल है तो क्या है, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा तो ऑप्शन नंबर टू, सिंपल क्वेश्चन था।